नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नगर निगम वार्ड नंबर 52 से समाजवादी पार्टी से पार्षद पद के उम्मीदवार इमरान मंसूरी ने आज मुख्यालय पर नामांकन दाखिल किया। इमरान मंसूरी ने कहा, जनता हमें चुनाव जिता कर नगर निगम भेजती है, तो जनता के लिए गलियों को सीसी निर्माण कार्य, वार्ड में एक पार्क, एक मोहल्ला, क्लिनिक और घर घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जातिवाद से हटकर सभी लोग मेरा सहयोग करेंगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम इमरान मंसूरी है। मैंने फिरोजाबाद दीदमबई वार्ड नंबर 52 से समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है और अभी आज नामांकन किया है। वार्ड में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आपको पूरा कराना है? इस सरकार में समस्या ही समस्याएं हैं। सबका साथ सबका विकास कहती है सरकार, लेकिन मुस्लिम जो आबादी है उसमें ना तो आज तक जीवा जाल का पानी आया, ना गलियां सड़कें बनी। 5 साल नूतन राठौर रही, 5 बार भी छोड़ा, 1 बार भी नहीं आई। ना हमारे क्षेत्र में एक भी पार्क है। अब आप क्षेत्र की समस्याएं दूर कराने के लिए किस तरह से प्रयास करेंगे? हम लोग सिस्टम से काम करेंगे, जीवा जाल का पानी घर घर पहुँचाने का काम करेंगे, गलियां सड़कें बनवाने का काम करेंगे, और जहाँ भी बिजली की समस्या है वो, और पार्क नहीं है वार्ड में, पार्क बनाने का काम करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक भी हम लोगों की बनाने की प्लानिंग है, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाने का काम करेंगे, जो रात बिरात जो जरूरत पूरी हो सके गरीबों की। क्षेत्रीय जनता का भरपूर समर्थन है। मैं पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तो मैं दूसरे नंबर पर आया था। इस बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, तो दुगने वोटों से जीत होगी और सभी लोगों का सहयोग रहा। तो आपके क्षेत्र में कितने वोटर्स हैं और आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? हमारे यहाँ जो है 2017 में 5100 वोटर थे, अब 2023 में चुनाव होता है तो इसमें 6000 वोटर हैं। क्षेत्रीय जनता से आप क्या कहना? क्षेत्रीय जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा, 2012 से लेकर 2022 तक जिस तरीके से क्षेत्र में कार्य होने चाहिए थे, जीवा जाल का पानी घर घर पहुंचना था, गली मोहल्लों की जो सफाई व्यवस्था होनी थी, गलियां बननी थी, पार्क बनना था, वो सब नहीं हो पाया, क्योंकि जो भी लोग रहे हों वो उनके बारे में नहीं टिप्पणी कर सकता, लेकिन जनता मुझ पर भरोसा जताती है तो मैं वो काम 5 साल में करके दिखाऊंगा जो 15 साल में नहीं हुआ होगा। किस प्रत्याशी के लिए? अच्छा, मसूर फातिमा है, हाँ, वो बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगी। इस बार जो हमारा फिरोजाबाद शहर के अंदर, नगर निगम क्षेत्र के अंदर जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन इसलिए चाहती है क्योंकि जो मौजूदा जिस महापौर थी उन्होंने भेदभाव से काम किया, क्योंकि नई आबादी और पुरानी आबादी को उन्होंने बंटवारे में बांट दिया। पुरानी आबादी में काम किया, नई आबादी में नहीं काम किया, जबकि 1 लाख की आबादी नई आबादी के अंदर जो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक की आबादी है, उनके लिए आप समर्थन कैसे जुटाएंगे? हम लोग डोर टू डोर आज से, आज हमने नामांकन किया है, आज शाम से ही हम लोग पूरा सिस्टम बना के घर घर जाकर काम करेंगे, गली गली जाकर लोगों को समझाने का काम करेंगे। और इस सरकार से जनता उग चुकी है, देश और प्रदेश क्या, नगर निगम से लेकर देश प्रदेश तक जनता बहुत जल्द परिवर्तन करेगी। ये